अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को फ्रंट और बैक साइड में टक्स किस तरह लेते हैं, यानी कि पीछे प्लेट्स जो लेते हैं हम सामने और पीछे सेंटर में, वो किस तरह लेते हैं इसका तरीका बताऊंगी। देखिए, हमने नेक कट करके लिया हुआ है, ये बैक साइड का हिस्सा है। शोल्डर के पास से हम देखिए यहाँ से 10.5 इंच पर टिक लगाएंगे। देखिए, ये 10.5 इंच पर हमने टिक लगा ली है। अब हम नीचे प्लेट्स लगाने के लिए यहाँ से, अगर आपकी लंबाई कम है तो आप 6 इंच का लगाएंगे टिक, अगर आपकी टक्स की लंबाई ज़्यादा है तो 7 इंच का, 6 या 7 इंच का ही हम टक्स लेंगे। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच तक। देखिए, इस तरह हमने ये 7 इंच का निशान ले लिया है। अब हम इस निशान के 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड लेंगे, यानी कि 1 इंच का हमारा कपड़ा इसमें दबना चाहिए। इसे हम प्लेट्स भी बोलते हैं या टक्स भी बोलते हैं, तो इसमें हमें 1/2 इंच की मार्जिंग लेनी है। देखिए, इस तरह हमने 1/2 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह राउंड कर लेंगे। देखिए, इस तरह हमने इसे इस तरह राउंड कर लिया, जिस तरह हमें ये टक्स लेना है। बिल्कुल इसी तरह हम इसके सेंटर में भी टेप रखेंगे 10.5 इंच का। देखिए, इस तरह हमने 7 इंच इस तरह निशान लगा लेना है, और इस निशान के 1/2 इंच इधर बाजू और 1/2 इंच इधर बाजू लेते हुए इसे इस तरह राउंड कर लेना है। ये बीच में हमारी टक्स की सिलाई आएंगी। अब आइए इसे हम सिलाई करके बताते हैं। देखिए, अब हम इसे टक्स का निशान लेंगे। पहले हम थोड़ा कपड़े को आगे पीछे कर लेंगे, यानी कि लॉक लगाएंगे सिलाई को, और इस तरह हम शेप लेते हुए देखिए, हमारी एक टक्स का सिलाई का हो चुका है। अब हम दूसरा इसी पर डबल सिलाई लेंगे थोड़ा गैप करते हुए। देखिए, इस तरह हम इस पर दूसरी सिलाई भी लेंगे। देखिए, इस तरह हमारा ये सिलाई हो चुकी है। दूसरी साइड भी हमने टक्स का निशान ले लिया है। तो इस तरह आप अपनी कुर्ती में अपनी साइज के अकॉर्डिंग ऊपर से टेप रखते हुए, ये 10.5 इंच पर हमने स्टार्ट किया है, किसी को 11 इंच पर आता है, किसी को 10.5 इंच पर। तो इस तरह हमारी ये फ्रंट साइड की और बैक साइड की दोनों भी सिलाई हो चुकी है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।